मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बाप के पास से पैसा लाकर असंभव है। सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, ये संभव है? कोई कितनो चाहेगा रोक लेगा युवाओं को रोजगार के बारे में आजकल बोलता है, कौन सी रोजगार? सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना? किसके मुंह से सुना था? बोल रहे, बोलने के लिए कुछ भी बोलने का क्या है? आशा दीदी, ममता दीदी का फाइल बोल करके बैठा गया है स्वास्थ्य मंत्री से, तो हमने फाइल कर दिया, 2500 रुपए बांधे बढ़ा दिया, लेकिन नीतीश कुमार के अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे, रोक करके रखे हैं। काम करने का कोई अनुभव नहीं है। कुछ लोग बोलते रहते थे, एक बात हम और कह देना चाहते, युवाओं को रोजगार के बारे में आजकल बोलता है, कौन सी रोजगार? रोजगार में तो जितना काम यहाँ पर हुआ, लोगों को 15 साल का मौका मिला था, क्या दिया था रोजगार? बोल रहे, बोलने के लिए कुछ भी बोलने का क्या है? आजकल ऐसा ऐसा एडवाइजर लोगों को मिल गया है, काम करने का कोई अनुभव नहीं है। क्या है बिहार, क्या करना है लोगों के उत्थान के लिए, ये सब की कोई समझ नहीं है लोगों को, लेकिन बयानबाजी, प्रचार प्रसार, इन सब चीजों में, तो इन सब चीजों के लिए लोग बोलता है क्या हुआ? अरे क्या है, दुनिया में कोई देश ऐसा है, कोई प्रांत ऐसा है जिसमें सारे लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है? ये संभव है? अरे लोगों को तो रोजगार पैदा करने के लिए, हर तरह का काम पैदा करने के लिए लोगों को ट्रेन करना चाहिए, जो हम लोग इतने बड़े बड़े पैमाने पर हम लोगों ने करना शुरू किया और 7 निश्चय के अंतर्गत, लेकिन इस तरह की बात करने का कोई तुक नहीं है। हर तरह से हम लोग काम करते चले जा रहे हैं। तो जो हमने आपको बताया कि 7 निश्चय के अंतर्गत जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत काम हुआ, और अब हम लोगों ने जो तय किया है कि आगे फिर मौका दीजिएगा, सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार, और इसके लिए 7 निश्चय 2, हम लोगों ने इसके बारे में जो फैसला किया है, अब आप सोच लीजिए इस 7 निश्चय में क्या है? युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। अब हम लोगों ने तो अब तक जितना काम किया, जिसकी चर्चा हम कर चुके, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, स्वयं सहायता भत्ता योजना हो, कुशल युवा कार्यक्रम हो, हर तरह का काम, इंस्टीट्यूशन बनाने का काम सब किया। आप इसको आगे और करेंगे कि भाई लोग काम पा सके। मुख्यमंत्री जी का कहना था कि माफ कर दीजिए, हमारे माता से पिता से माफी मांगी, हाथ जोड़ करके कि आप गलती दोबारा नहीं करेंगे। भाजपा जो है हमारे पार्टी को तोड़ रहा है, और जब पार्टी को तोड़ रहा है तो लालू जी आप मदद कीजिए और मिलकर 24 में भाजपा को हराने का काम करते हैं। देश भर के नेताओं का, बड़े बड़े नेताओं का दबाव था मेरे ऊपर, सभी लोग कहते थे रघुवीर जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो उनको साथ ले लीजिए, क्योंकि बीजेपी वाला उस समय ऑपरेशन लोटस चालू किए हुए था महाराष्ट्र में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, जो स्थिर सरकारें थी उनको तोड़ा जा रहा था, गिराया जा रहा था, लोकतंत्र की हत्या कराई जा रही थी। तो हमको लगा देश भर में अगर ऑपरेशन लोटस कर रहा है तो लोटस के साथ ऑपरेशन बिहार में कर देते हैं। हम लोगों ने अपनाया, मुख्यमंत्री जी के साथ फिर से सरकार बनाया, लेकिन हमारा एक शर्त था, हम जानते थे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो लोग पूछेंगे क्या आपने 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और बोला कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप हमको कमिटमेंट दीजिए कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी या बाहरी अवरोध निकालने का काम करेंगे। लेकिन याद कीजिए, जब नौकरी मिलने लगा तो भाजपा वाला, जदयू वाला सब लोग क्रेडिट ले रहा है, लेकिन हम सिवान की जनता से पूछना चाहते हैं, आप लोग ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइएगा, जवाब दीजिएगा, सबसे पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख नौकरी का सुना? किसके मुंह से सुना था?
तो मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि बाप के पास से पैसा ला के ना असंभव है। यही बात मुख्यमंत्री जी कहते थे, जो मुख्यमंत्री जी असंभव की बात करते थे उनके हाथ से अपने गांधी मैदान में लाखों के तादाद में कहीं भी मोदी जी तो रेल बेच दिए, शेर बेच दिए, जहाज बेच दिए, सब कुछ डिजिटल कर दिए, पानी खत्म हो गया, इसलिए नौकरी तो देना तो छोड़िए और नौकरी छीनने का काम किया। तो ये ऐतिहासिक काम किए, नियोजित शिक्षक लोग आंदोलन करते थे कई सालों से, हम लोग जब सत्ता में आए और चुनाव में हमने वादा किया था कि नियोजित शिक्षकों को हम लोग राष्ट्रीय कर्मी का दर्जा देंगे और सत्ता में आते हम लोगों ने नियोजित शिक्षकों को राष्ट्रीय दर्जा देने का हम लोगों ने काम किया। जो विकास मित्र है, टोला सेवक है, जो तालमी मरकज है, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, आंगनबाड़ी वाली दीदियां हो, सब लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया है, सबका दुगुना हुआ, लेकिन आशा दीदी ममता दीदी का फाइल वोट करके बैठा गया है स्वास्थ्य मंत्री से, तो हमने फाइल कर दिया 2500 रुपए मानदेय बढ़ा दिया, लेकिन नीतीश कुमार जी अभी तक उसको लागू नहीं कर रहे, रोक करके रखे हैं। और यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग में अभी 1,30,000 का बहाली हम निकाल करके आए हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी के आने से रोकने का काम करते हैं, लेकिन कोई कितनो चाहेगा रोक लेगा तेजस्वी के लड़के विकास को छीन नहीं सकता है। आपको बताने आए आज नहीं तो कल उस नौकरी को भी निकलना है और आपकी लड़ाई लड़ते हम आए हैं और आपसे विश्वास चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप लोग साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। आपके लिए बदले मिलते हैं।